हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड्स। तो जैसा कि मैंने आपको आर्क वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स के जब शो किए थे वेल्डिंग शॉप में, तो मैंने वहां पर भी आपको इलेक्ट्रोड शो करी थी। तो इलेक्ट्रोड होता क्या है? इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक वायर रोड होती है विच इज यूज इन वेल्डिंग एज ए टर्मिनल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोड या तो हमारा रोड की शेप में होती है या वायर की शेप में होती है, और इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होती है, फ्लक्स की कोटिंग हुई होती है, ये मैंने आपको दिखाया था, और विदाउट फ्लक्स कोटिंग के भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? हमारे वर्क पीस के ऊपर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स जो हमारी दो टाइप की होती हैं, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स कौन सी होती हैं कि जब वो आफ्टर इनिशिएटिंग द आर्क द इलेक्ट्रोड्स इज कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। आप आर्क इनिशिएट करने के बाद ये इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस मेल्ट होती रहती हैं, और जो वेल्डिंग पुल होता है, मतलब जो वेल्डिंग जो दो मेटल्स के बीच में स्पेस होता है उसको फील करने का ये काम करती रहती हैं। और जब वेल्डिंग ज्वाइंट सॉलिडिफाई हो जाता है देन हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो क्या होती है कि ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस वो कभी भी मेल्ट नहीं करती, हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसी करके वो मेल्ट नहीं होती। ठीक है, तो इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स भी तीन टाइप की होती हैं, बेयर इलेक्ट्रोड्स, बेयर मतलब खाली। नेक्स्ट है फ्लक्स्ड और लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड्स, और थर्ड है हैवीली कोटेड इलेक्ट्रोड्स। तो जो बेयर इलेक्ट्रोड्स होती हैं इनके ऊपर किसी भी प्रकार के फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती। ठीक है, ये लिमिटेड यूज है इनका फॉर वेल्डिंग ऑफ रफ आयरन एंड बाइल्ड स्टील। के लिए हम बेयर इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, इन पे किसी भी टाइप के फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती, इसीलिए इनको बेयर इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो मोस्टली हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हैं बेयर इलेक्ट्रोड्स, जब हम यूज करते हैं तो स्ट्रेट पोलैरिटी को यूज करते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्टिक एंड रोड्स फॉर हैंड वेल्डिंग। जो बेयर इलेक्ट्रोड स्टिक और रोड की शेप में यूज होती है हैंड वेल्डिंग के लिए, और ऑटोमेटिक वेल्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूस वायर के रूप में यूज होती हैं। ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन ये भी क्या होती हैं, बेयर इलेक्ट्रोड भी होती हैं जो टिक वेल्डिंग में यूज होती हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड्स को हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। तो बेयर इलेक्ट्रोड क्या होती है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती उसको हम कहते हैं बेयर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है फ्लक्स्ड और लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड्स। तो इनके ऊपर क्या होता है, काफ़ी लाइट कोटिंग होती है फ्लक्स की। तो जो ये जो प्रोड्यूस करते हैं इम्प्रूव वेल्ड एज कंपेयर टू बेयर मेटल इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि इन पे फ्लक्स की कोटिंग होती है। ठीक है, दे कैरी ए लाइट कोटिंग फ्लक्स, फ्लक्स असिस्ट बोथ इन एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल ऑक्साइड्स एंड प्रिवेंटिंग दियर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस करके ये अच्छे वेल्ड प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू बेयर मेटल इलेक्ट्रोड्स। थर्ड वन है हमारी हैवीली कोटेड इलेक्ट्रोड्स। तो हैवीली कोटेड इलेक्ट्रोड्स जो यूज होती हैं वो SMAW सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए यूज होती हैं। ओवर 95% ऑफ टोटल मैनुअल वेल्डिंग जो होती है वो हैवीली कोटेड इलेक्ट्रोड से ही होती है। कोटिंग लेयर जो होती है इस पे 1 से 3 mm तक की होती है, और अगर बाय वेट की बात करें तो इलेक्ट्रोड के 15-30% रेशियो में कोटिंग का वेट होता है। ये प्रोवाइड गैस सील्ड, जो फ्लक्स है जो उसके ऊपर हैवीली कोटेड होता है, प्रोवाइड करता है गैस सील्ड अराउंड द आर्क
प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन और ये स्लैग फॉर्मेशन ऑफ सुटेबल क्वालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, ताकि हमारी जो कूलिंग रेट है वो स्लोली हो सके. परमिट्स द यूज ऑफ लार्जर वेल्डिंग रोड, हाई करंट, ग्रेटर स्पीड, सुपीरियर वेल्ड, ये सभी हाईली कोटेड इलेक्ट्रोड्स के कारण ही पॉसिबल हो पाता है. नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, तो वो भी दो टाइप की होगी. मेटेलिक जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो टिग वेल्डिंग में यूज होती है, नॉन मेटेलिक होगी जैसे कार्बन और ग्रेफाइड के इलेक्ट्रोड्स. तो दीज इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ कार्बन, ग्रेफाइड और टंगस्टन. ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड हमारी यूज होती है डीसी वेल्डिंग में, टंगस्टन डीसी और एसी दोनों के लिए यूज होती है. ठीक है, जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स हैं वो मेल्ट नहीं होती. ठीक है, तो इन वेल्डिंग प्रोसेस में हम अलग से फिलर रोड यूज करते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है. एडिशनल मेटल जब हमारा थिकनेस प्लेट की ज़्यादा होती है तो जो गैप को फिल करने के लिए हम एडिशनल मेटल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं फिलर मेटल. तो इस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के केस में भी हम फिलर मेटल अलग से यूज करते हैं. तो इसका जो बेटर कंट्रोल होता है ओवर हीट इनपुट एंड फिलर मेटल एज सोर्स सेपरेट. दोनों फिलर मेटल हम अलग से यूज कर रहे हैं और आर्क प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोड अलग, तो दोनों सेपरेट हैं, तो इसलिए हमारा बेटर कंट्रोल होता है हीट इनपुट का भी और फिलर मेटल का भी. ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग एंड टिक वेल्डिंग जो इसके क्या है एग्जांपल है, जहां पर हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. ठीक है, इसमें जो आर्क के ऊपर कंट्रोल होता है वो इजी होता है, और जो हमारी आर्क होती है वो स्टेबल आर्क प्रोड्यूस होती है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के केस में. नेक्स्ट है हमारा कि जैसे हमने कहा कि भी हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग करते हैं, तो फ्लक्स की हम कोटिंग क्यों करते हैं, या फ्लक्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या क्यों हम क्या फंक्शन है कोटिंग का. तो प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव स्लैग ओवर हॉट मेटल. ये क्या करता है कि जो हमारा जो मोल्टन मेटल का है उसको क्या करता है कि वो धीरे धीरे कूलिंग कूल होने देता है, क्योंकि अगर वो एकदम डायरेक्ट कूल हो जाएंगी तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाएगी. तो जो फ्लक्स करता है वो प्रोवाइड प्रोटेक्टिव स्लैग ओवर हॉट मेटल. स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए काम आता है. फैसिलिटेट्स ओवर हेड एंड ओड पोजिशन वेल्डिंग, एडिंग अलोइंग एलिमेंट एड करने के लिए काम आता है. रिफाइन ग्रेन साइज, रिड्यूसिंग सेपरेटर ऑफ वेल्ड मेटल, इम्प्रूविंग डिपोजिशन एफिशिएंसी, रिमूविंग इम्प्योरिटीज एंड ऑक्साइड्स, स्लो डाउन द कूलिंग रेट, इन्फ्लुएंसिंग द डेप्थ ऑफ आर्क पेंट्रेशन. तो ये सारे क्या हैं, इसके एडवांटेज कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो या फंक्शन ऑफ कोटिंग है. नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि हम इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन किस टाइप से करेंगे, किन बातों को हमें ध्यान में रखना है जब हम किसी इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड साइज शुड नॉट मोर देन द थिकनेस ऑफ बेस मेटल. जो बेस प्लेट होती है उसके थिकनेस जो इलेक्ट्रोड की बेस प्लेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. जो मैक्सिमम साइज है फॉर वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग की जो होती हैं उनके लिए वो 5 mm होता है. इलेक्ट्रोड मस्ट प्रोड्यूस ए वेल्ड विद एग्जैक्टली सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ बेस मेटल. ज्वाइंट डिजाइन अगर पुअर फिट है तो हमें क्या चाहिए, विल नीड एन इलेक्ट्रोड विद मोर पेंट्रेशन देन फास्ट फिल. तो हमें क्या चाहिए कि अगर पुअर फिट डिजाइन है तो उसमें क्या होना चाहिए कि पेंट्रेशन जाना ज़्यादा होनी चाहिए और स्पीड कम होनी चाहिए. हमें ऐसी इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करनी है. और अगर हमारा परफेक्ट फील्ड है, फिट है हमारा वेल्ड, तो हमें ऐसी इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करनी है जिसकी जो स्पीड क्या हो, फास्ट हो. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इलेक्ट्रोड मस्ट मैच फुली वेल्डिंग करंट एंड पोलैरिटी ऑफ द वेल्डिंग मशीन. तो हम अगर एसी मशीन या डीसी मशीन जो भी मशीन यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड
उसको साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है, कि उसकी जितनी करंट कैपेसिटी है और जितना उसकी पोलैरिटी है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड हमें सेलेक्ट करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा BIS स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोड्स खरीदने जाते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमारा क्या है, जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन है या स्पेसिफिकेशन है, तो ये इस टाइप से होती है। पहला हमारा लेटर होता है, फिर उसके बाद 6 1 2 3 4 6 4 5 6, ये हमारे 6 क्या है, हमारे डिजिट होते हैं, देन लास्ट में लेटर होता है। तो इसमें किसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट हमारा लेटर है उस वो या तो ई से स्टार्ट होगा या आर होगा। तो अगर ई लिखा है तो दैट मीन्स वो क्या है, सॉलिड एक्सट्रूजन से बनी हुई है इलेक्ट्रोड, और अगर आर है तो एक्सट्रूडेड विद रेनफोर्समेंट, तो ये ई और आर हो गया। देन फर्स्ट जो डिजिट होगा हमारा वो 1 से 8 के बीच में होता है, जो क्या बताता है कि किस टाइप की कोटिंग हो रखी है हमारी इलेक्ट्रोड के ऊपर। जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारा 1 से लेके 6 के बीच में होता है सेकंड डिजिट, और वो क्या बताता है, वेल्ड की पोजीशन। थर्ड हमारा जो डिजिट है वो 0 to 7 के बीच में होता है, और वो बताता है हमारा करंट की कंडीशन, कि करंट किस कंडीशन में है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ डिजिट है वो 1 to 8 तक होता है, और वो बताता है हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रोड की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 to 5 फिफ्थ डिजिट, ये बताता है हमें कि परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ डिपॉजिटेड वेल्ट मेटल। नेक्स्ट हमारा जो सिक्स डिजिट है वो 1 to 5 के बीच में होता है, और वो बताता है हमें स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मिनिमम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मेटल। और जो लास्ट लेटर है वो हमारा वही H से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन कंट्रोल्ड हमारी इलेक्ट्रोड है, अगर J से स्टार्ट हो रहा है तो आयरन पाउडर कवरिंग इलेक्ट्रोड है, और गिविंग मेटल रिकवरी कितनी है उसमें 110 to 130। और अगर KLP है तो हमारा वो भी यही कहता है कि आयरन पाउडर की हमारी कवरिंग है, लेकिन जो उसमें मेटल रिकवरी है वो कितनी है, 130 to 150% है। और अगर L है तो उसमें भी सेम है कि वही मेटल वही आयरन पाउडर कवरिंग है, लेकिन जो मेटल रिकवरी रेट है उसमें मोर देन 150% होती है। और अगर P है तो P इंडिकेट करता है डीप पेंट्रेशन के। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, दोज केमिकल विच डीऑक्सीडाइज द मेटल सरफेस एंड प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोसफेयर अराउंड द मोल्टन वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल आर नोन एज फ्लक्सिस। तो फ्लक्सिस क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो जैसे हमने आर्क वेल्डिंग के या गैस वेल्डिंग हर एक टाइप की वेल्डिंग में मोस्टली ये यूज होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो फ्लक्सिस क्या करते हैं कि जब हमारी वेल्डिंग आर्क प्रोड्यूस होती है तो मेटल क्या करती है, मेल्ट होती है, तो जो सराउंडिंग से जो ऑक्सीजन होती है या नाइट्रोजन होती है वो गैस क्या करती है, ऑक्सीडाइजेशन करती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो एक तो जो विजिबिलिटी कम हो जाती है वेल्डिंग की और इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं, तो इसीलिए हम फ्लक्सिस को यूज करते हैं। तो फ्लक्सिस क्या करते हैं, एक तो डीऑक्साइड कर देते हैं मेटल सरफेस को, और दूसरा क्या करते हैं वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं अराउंड द मोल्टन वेल्ड। तो जो जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो वेल्डिंग की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। जो फ्लक्स होता है हम इसको ड्राई पाउडर की शेप में भी अप्लाई कर सकते हैं, पेस्ट की शेप में भी, और थिक सॉल्यूशन के शेप पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये एज ए इंग्रेडिएंट इन द कोटिंग ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, मतलब उसका जो वेल्डिंग, हमने पहले भी कहा कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं फ्लक्स की, तो एज ए वो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर फंक्शंस की बात करें कि फ्लक्स के क्या फंक्शन है, तो हम पहले भी लास्ट इलेक्ट्रोड्स कोटिंग के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो सिमिलर फंक्शन ही है,
टू डिजोल्व सरफेस ऑक्साइड कोटिंग्स विच हैज फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस प्रियर टू वेल्डिंग, टू प्रिवेंट ऑक्साइड फ्रॉम फॉर्मिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन ऑन बोथ द बेस मेटल एंड वेल्ड मेटल, टू फैसिलिएट्स द मेल्टिंग प्रेशर प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ द मेटल, प्रोवाइड इजियर आर्क, स्टेबलाइज द आर्क बेटर एंड रिड्यूस स्पैटर, फॉर्म्स लैग ओवर द वेल्ड टू स्लो डाउन द कूलिंग रेट एंड प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम एटमोसफेयर। तो ये जो फंक्शन है सिमिलर है जो हमने किया था इलेक्ट्रोड्स में फंक्शन ऑफ कोटिंग, ये दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस। तो फ्लक्सेस तीन टाइप के होते हैं, हाईली कोरोजिव, इंटरमीडिएट कोरोजिव और नॉन कोरोजिव। जो कोरोजिव फ्लक्सेस होते हैं वो विदस्टैंड कर लेते हैं हाई टेम्परेचर को, तो जितना ज़्यादा कोरोजिव होगा वो उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर पाएगा फ्लक्स। तो अब यूजेस की बात करें तो अगर हमें ब्रास, कॉपर, ब्रोंज, लो कार्बन स्टील की अगर वेल्डिंग हो रही है तो वहाँ हम मिक्सचर ऑफ बोरिक एसिड और फ्लोराइड जो फ्लक्स है उसको यूज करते हैं। कास्ट आयरन के लिए जो फ्लक्स यूज होता है वो होता है बोरेक्स, बोरिक एसिड और फ्लोराइड, इसको हम वेटिंग एजेंट के साथ यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है अगर अल्मोनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए जो फ्लक्स यूज होता है वो होता है फ्लक्स ऑफ क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स विद वाटर टू फॉर्म पेस्ट इज यूज्ड। थैंक यू।